बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बहलोल दाना बयान करते हैं कि मौत से किसी को फरार नहीं, मलकुल मौत किसी को मोहलत नहीं देता। गुनाहों के बीच में मलकुल मौत किसी के भी सामने आन खड़ा हो सकता है। जब रोज़े महशर तुमसे पूछोगी तो क्या जवाब दोगे? बेहतर है कि दुनिया में ही अपना हिसाब कर लो ताकि आखिरत के खौफ से पनाह में रहो। ऐ बंदे, तू कब गफलत से दूर होगा? गुरूर और तकब्बर से दूर रह और आखिरत की फिक्र कर। जो काम या अमले खैर आज कर सकते हो वो आज कर लो, क्या खबर कल का सूरज देख ना पाओ। आमाले खैर की सूरत में आखरत का तोशा अपने हमरा ले लो, ऐसा ना हो कि कल पछताना पड़े। क्या तुझ में जरा बराबर भी इंसाफ नहीं कि तू जिसके मुल्क में रहता है, जिसका रिजक खाता है और जिसकी बंदगी का दावा करता है, उसकी नाफरमानी भी करता है? सच्ची बात कहने की जुरत तो सिर्फ दीवाने ही कर सकते हैं। भले हराम गजा को हजार अदब से खाया जाए फिर भी वो बेफायदा होती है। गुफ्तगू करने में सबसे पहले नीयत की दुरुस्तगी और कलब की पाकीजगी होना लाजम है, और वो गुफ्तगू अल्लाह की खुशनूदी के लिए होनी चाहिए। सोते वक्त दिल में किसी भी मुसलमान से हसद, कीना और बुगज ना हो, और दिल में दुनिया और माले दुनिया का लालच ना हो। मैं खाने में शरीक लोगों के नवाले नहीं गिनता, बल्कि खाना खाते हुए अल्लाह की हमदो सना करता हूं। मायूसी कुफर है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें वो मिल रहा है जिसके तुम मुस्तहिक हो। दो खामियां जिसमें भी हूं वो दौलत कमाने में नाकाम रहता है। नंबर एक, नाशुक्री। नंबर दो, तंग नजरी। ज्यादा तनकीद ना करें, बहुत ज्यादा तनकीद नफरत और बुरे रवैये का बायस बनती है। उन गुनाहों से डरो जो तुम छुप कर करते हो, क्योंकि उन गुनाहों का गवाह खुद अल्लाह पाक होता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन आमाल